अगर आपको लग रहा है कि सर मैं जो 30-35 वाली पैकेज की उठानी है, पैकेज है ना, इतनी की प्लेसमेंट लेनी है, तो उस केस में फिर आप जेएसएस जाओ, जेपी जाओ। हेलो एवरीवन, तो यार आप सभी की काफी सारी डाउट क्वेरी जेएसएस नोएडा और जेपी नोएडा को लेकर आ रही है, क्योंकि जेपी का काउंसलिंग ऑन गोइंग है 10+2 के भी आप पर। अभी जेपी नोएडा की काउंसलिंग चल रही है, लेकिन कुछ लोग जेएसएस नोएडा को लेकर भी कंफ्यूज हैं। सर जेएसएस जाना चाहिए कि जेपी नोएडा जाना चाहिए, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। जेपी नोएडा पर ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर रखा है और जेएसएस पे भी मैंने रिव्यू कर रखा है। यहाँ पर हम ऐसा कोई कंपेरिजन नहीं करने वाले हैं, लेकिन कुछ जो डाउट क्वेरीज हैं उन पे जरूर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जेएसएस नोएडा की अभी आप सभी को कट ऑफ नहीं पता चल पा रही थी, हम उस पर भी बात करेंगे। देखो एक चीज़ तो दोनों में से डिफरेंस है, अभी 10+2 के भी आप पर जिसको फॉर्म अप्लाई करना था या जो एलिजिबल था, वो तो 10+2 के भी आप पर जेएसएस का पोर्टल पर जब गूगल फॉर्म ओपन हुआ था, आप सभी ने आई होप अप्लाई कर दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो जेएसएस का यार बड़ा फेयर कॉन्सेप्ट है, आपको जब भी अप्लाई करना होगा तो देन एट द एंड काउंसलिंग के, जैसे कि अभी पोर्टल ले लिया है, अभी आई थिंक प्रोविजनल अलॉटमेंट वगैरह आपको हो सकता है, सीएसआईटी ब्रांच में तो बिल्कुल नहीं देंगे जितना मैं से हो, लेकिन बाकी के जो ब्रांचेज हैं, जो कोर ब्रांचेज हैं, उसमें आई होप हो सकता है वो आपके अलॉटमेंट वगैरह भी प्रोवाइड करा रहे हो, या सच वो कमिटमेंट कर रहे होंगे, या हम काउंसलिंग के बाद आपको अलॉटमेंट करके देंगे। तो सीएसआईटी ब्रांच को लेकर तो बिल्कुल एकदम फेयर प्रोसेस है कि आपको अलॉटमेंट बहुत ही नेग्लिजिबल मिलने वाली है, 5% बच्चों को मिलेगा, बिकॉज यहाँ की जो सीट्स है सारी की सारी काउंसलिंग प्रोसेस से ही फुल हो जाती हैं, जो यूपीएसडब्ल्यू का काउंसलिंग प्रोसेस होता है उससे फिल होगा। अब जो यूपीएसडब्ल्यू का काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो सारा का सारा जेई के थ्रू होता है, ना कि 10+2 के भी आप पर होगा। जो गूगल फॉर्म ओपन हुआ वो 10+2 के भी आप पर ओपन हुआ, जो 15% मैनेजमेंट कोटे की फी जो सीट्स हैं। अब अगर हम बात करें जेआईटी नोएडा की, जेआईटी नोएडा की अभी 10+2 के भी आप पर काउंसलिंग चल रही है, और यहाँ का जो फीस थोड़ा सा ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू जेएसएस, मैं बोलूँगा जस्ट ड्यूअल है। तो डिपेंड ये करता है कि अगर आपका कैपिटेशन मतलब कि जो फीस है उसका अगर कोई बजट इश्यू ना हो, आपकी प्रोफाइलिंग भी बढ़िया है, तो आप जेपी जाना। अगर आपका बजट को लेकर कोई इश्यू है तो देन उस केस में आप जेएसएस जाना। तो आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। और जो जेपी का जो जेई का काउंसलिंग है वो भी यार जब तक जेई का सीआरएल रैंक नहीं आ जाएगा तब तक नहीं होगा। इट्स मीन के जो भी ऑफिशियल काउंसलिंग प्रोसेस है जेई का, वो सारा का सारा बाद में होगा। लेकिन अभी जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा, जेएसएस में कभी ऐसा होल्ड ऑन मत करना, एक अलर्ट है आप सभी के लिए कि अभी गूगल फॉर्म मिला है, अप्लाई किया है, तो आपको 100% मिल ही जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि आपको अलॉटमेंट वगैरह आपको और भी कहीं पर लेके रखनी है, बिकॉज जेएसएस में कुछ ही रेयर कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट वगैरह मिल पाती है। अब मैं बात करूँगा कि जेएसएस नोएडा का जो जेई मेन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का कितना रहेगा, बिकॉज जब मैंने रिव्यू किया हुआ था उस टाइम पे मुझे कट ऑफ का सच बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार हम आप सभी के लिए रिसर्च किया है, मैंने काफ़ी सारा कुछ डेटा फाइंड आउट किया हुआ है सब जगह से, जिसमें रेफरेंस मैंने लिया है आईआईटी लखनऊ को, एचपीटीयू कानपुर का भी रेफरेंस मैंने इन कट ऑफ्स को लेकर रखा हुआ है, मैंने इट्स बीन उन्हीं के भी पर रखा हुआ है। कहीं ना कहीं एचपीटीयू पहले फुल होता है, फिर आईआईटी लखनऊ, देन जेएसएस नोएडा, काफ़ी सारे लोग जेएसएस नोएडा को प्रियोरिटी देते हैं, तो उसी के भी पर मैंने रखा हुआ है। उससे पहले थोड़ा सा सीट जो डिवीज़न है उसको देख लेते हैं। जो यूपीएसडब्ल्यू 2021 का काउंसलिंग होगा 85% सीट्स पर होने वाला है प्राइवेट कॉलेज की, तो जेएसएस एक प्राइवेट कॉलेज है तो 85% का यहाँ पर भी कट ऑफ होगा, उन्हीं सीट्स पर अलॉटमेंट वगैरह आएगी। 75% तो होम स्टेट के लिए कंफर्म है, 10% अदर स्टेट के लिए है, और बाकी जो 15% है वो मैनेजमेंट कोटे के थ्रू है। एक तरह से आप बोल सकते हो 10+2 के भी आप पर, या आप कुछ कैपिटेशन वगैरह भी पे करके यहाँ पर जा सकते हो। क्लियर। अब ऑफिशियल अगर अनाउंसमेंट की हम बात करें कि जेएसएस नोएडा की कब होगी, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो मैं बोलूंगा जब तक जेई का सीआरएल रैंक नहीं आ जाएगा, तो आप 10th of September के बाद का रखो, मतलब उसी के बाद में यूपीएसडब्ल्यू का काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होगा। इसकी एक्सपेक्टेड डेट पे किस तरह से प्रोसेस रहता है इस पे हम वीडियो बहुत ही जल्द आपको बनाने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या है, सर वो बताइए। सीएस का अगर मैं बात करूँ 60,000 से 65,000 के बीच में अवारी कर जाएगा, काफ़ी जल्दी क्लोज कर जाएगा। जेपी से लिटिल बिट थोड़ा सा आगे बंद होगा, जेपी 54,000-55,000 पर क्लोज हो जाता है। यहाँ पर बस जेएसएस आपका बस 10,000 का गैप रखने वाला है, और जो आईटी ब्रांच है तो आईटी आपका 80,000 तक क्लोज हो जाएगा। मैं जनरल कैंडिडेट के यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं ले रखी है, बिकॉज
रिजर्वेशन एक प्रोस्पेक्टिव एकदम डिफरेंट है, अगर उसके भी आप पर जाएंगे फिर तो कट ऑफ्स को एक बताना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन एज एन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जनरल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या प्रोस्पेक्टिव से आप थोड़े से एक एनालिसिस एक आइडिया ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि परसेंटाइल के टर्म्स में, तो मैंने पैरेलल यहाँ पर देख रहे होगे, आपने परसेंटाइल भी मेंशन कर रखा है, तो आईटी अगर 93% तक है तो एक बार यहाँ के लिए आप प्लान कर सकते हो, लेकिन 93 मैं बोलूंगा कि लास्ट राउंड में जाकर मिलेगा, है ना। और स्पॉट राउंड यूपीटीयू में जब होता है तो उसमें प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर रखो इस चीज़ को लेकर। यूपीटीयू में स्पॉट राउंड नहीं होता, इट्स बीन जो यूपीएस डबली की काउंसलिंग होती है उसमें स्पॉट राउंड नहीं होगा, जो भी होना है जेई मेन के थ्रू होना है। अब स्पॉट राउंड इन सेंस जब लास्ट में एडमिशन होते हैं वो, तो फिर ये लोग 10+2 की भी में जो आपने अभी गूगल फॉर्म अप्लाई किया है या बाद में भी ये लोग हो सकता है सच कोई पोर्टल ओपन करे कुछ ब्रांचेज या कुछ ऑप्शंस के लेकर, तो देन उस केस में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप फिर बाद में जो काउंसलिंग होगा वो 10+2 पर ही होगा, जेई के भी आप पर नहीं होगा। इसी की मैं बात करूं तो 1,00,000 रैंक तक आपको 90,000 तक हो सकता है क्लोज हो जाए, या काफी डिमांडिंग रहेगा 1,00,000 रैंक तक, तो आप लेकर चलो कि इसी मिल जाने वाला है यहाँ पर, तो 90% लेकर चलो तो 1,10,000 तक भी वैरी कर सकती है आपकी रैंक 90% पे। अब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई, इन सबका जो मैक्स टू मैक्स वैरी करेगा तो 1,25,000 से 1,30,000 तक जाएगा। और परसेंटाइल के टर्म्स में मैं बात करूं, अगर 87% तक आपको यहाँ पर अलॉटमेंट वगैरह मिल सकती है। तो आई होप ये आपको कट ऑफ्स काफ़ी कुछ समझ में आई होंगी, आप चीज़ें अपनी एनालाइज कर पा रहे होंगे, अपने प्रोफाइल्स के हिसाब से आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। अब अगर मैं बात करूं कुछ काफ़ी सारे और भी डाउट्स क्वेरीज थी तो मैंने वो यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, तो उसके साथ साथ मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर देता हूँ। तो कट ऑफ्स के हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो, 95% तो कट ऑफ यहीं पर वैरी करेगा, 5% थोड़ा बहुत रिजर्वेशन में हो सकता है फ्लक्चुएट करे। पहला नोट तो ये है यार कि कॉम्पिटिशन फीस वगैरह पे करके जेएसएस में जाने का नीड नहीं है, और जो मिथ है कि जेएसएस और गलगोटिया और अजय कुमार गर्ग में जमीन आसमान का फर्क है कुछ इस टाइप वाला, तो एज सच ऐसा कुछ नहीं। मैं बोलूँगा प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो बस ठीक है, बहुत ज़्यादा लिटिल बिट, मतलब कि अगर प्रियोरिटी अगर कभी देना होगा तो हम जेएसएस देंगे, एज सच उसको हम आईआईटी के तरह रिएक्ट नहीं करेंगे कि मेरे को आप इतना ही डिफरेंस कुछ समझ सकते हो जितना कि आईआईटी और एनआईटी में होता है, इतना यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, पहले उसको क्लियर कर लो क्योंकि उसके अंदर भी अच्छे खराब होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा कि जेएसएस में कितना बढ़िया है, तो जेएसएस मैं बोलूँगा कि कभी भी अगर आपको प्रायोरिटी देना है तो आप जेएसएस को दीजिए। कॉम्पिटिशन के टर्म्स में आपको बहुत सारा कॉम्पिटिशन वगैरह यहाँ पर पे नहीं करना चाहिए, जो मेरा एक ओपिनियन है। और साथ ही साथ जेएसएस के साथ में अगर आपको जेएसएस नहीं मिल रहा है तो आप गलगोटिया को, अजय कुमार गर्ग को, कायड गाजियाबाद को ऑप्शन में रख सकते हो, जीएल बजाज को ऑप्शन में रख सकते हो। बहुत ज़्यादा इन सब कॉलेज में डिफरेंस नहीं है, जो डिग्री आने वाली वो एक केटीयू से ही डिग्री मिलती है। प्लेसमेंट के लिए 99% कंपनीज भी सेम आती है, काफ़ी बार पूल कैंपस भी होता है तो सारे कैंपसेस के बच्चे एक कैंपस में जाकर पार्टिसिपेट कर पाते हैं। जैसे कि अभी बच्चों की कॉल्स आ रही है, वो बोल रहे हैं सर 7 LP है, 6 LP है एवरेज प्लेसमेंट, तो यार ये एवरेज प्लेसमेंट इसका इतना नहीं है। एवरेज प्लेसमेंट है 5,00,000 है, 5.5 भी ले सकते हो जब आप सिर्फ सीएस की बात करोगे, अगर ओवरऑल निकालोगे ना तो यार 4.75 या 5 से ज़्यादा नहीं निकलेगा, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझो, एट एन एवरेज जो है 5 LP के अराउंड है। और इसमें बहुत ज़्यादा आप जेपी का इसका कंपेरिजन हम लोग इसलिए करते हैं उसका कंपेरिजन क्योंकि काफ़ी दोनों सेक्टर 62 में है तो नियर अबाउट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ एक दूसरे डिपेंडेंट रहती है। पहला ऑप्शन तो लोग जेआईआईटी नोएडा ही सिलेक्ट करते हैं, सेकंड ऑप्शन लोग जेएसएस नोएडा रखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एवरेज प्लेसमेंट तो 5 LP है। अब ये बाकी के कैंपसेस में ऐसा क्या है कि भाई हम जेएसएस क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं? जेएसएस में जैसे कि कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो रियल में मैं भी मानता हूँ और आई होप अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको भी बस उतना ऐसा ही डिफरेंस मिलेगा। एवरेज स्टूडेंट हो तो मैं बोलूँगा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं जो 30-35 वाली पैकेज की उठानी है, पैकेज है ना, इतनी की प्लेसमेंट लेनी है, तो उस केस में फिर आप जेएसएस जाओ, जेपी जाओ। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अगर आप प्लान कर रहे हो, बिकॉज जब आपकी प्लेसमेंट वगैरह हो रही होती है तो 4.5 होती है, 5.5 होती है, 6.5 होती है, बहुत ज़्यादा तो 7 हो गया। अगर TCS में डिजिटल वाले में चले गए तो 8 LPA की हो गई। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव रहता है AKTU के 99% स्टूडेंट का प्लेसमेंट का, सिर्फ 1% हो सकता है कुछ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव हो। तो प्लेसमेंट की रियलिटी को लेकर बहुत ही जल्द आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, और जेएसएस नोएडा के रिगार्डिंग आई होप आपके जितने भी डाउट्स क्वेरीज हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। जो अभी हम लोगों ने कंपेरिजन वगैरह कर रखा है तो वो हमेशा ROI के बिहाफ पर करते हैं, बिकॉज जेपी में इन्वेस्टमेंट जस्ट डबल की है, बिकॉज जेएसएस की जो फीस है
वो जेपी से आधी है, मैं बोलूंगा कि जेएसएस में 1.45 है, जेपी का 2.5, 2.6, 2.75 ईयरली इंक्रीज होकर 3 लाख तक वेरी कर जाती है, तो उस हिसाब से प्लेसमेंट इसकी ज्यादा बढ़िया होती है, उस भी आप पर हम सजेस्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोजर ज्यादा जेपी में है, तो फैकल्टी और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें आपको इन्हांस करती हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ स्टाइल, तो वो सारी चीज़ें आपको जेपी में ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय बाय।